In order to conduct sports day activities in your school, lines have been drawn with a chalk border at a distance of 1 meter each. हर एक मीटर पे एक चौक से वो लाइन ड्रॉन करते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, इन रेक्टेंगुलर शेप्ड ग्राउंड ABCD जिसमें कि उन्होंने 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, हर एक मीटर में वो एक फ्लावर पॉट्स को लगाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो AD है यानी हर एक मीटर में एक फ्लावर पॉट्स लगा रहे हैं, टोटल फ्लावर पॉट्स आपके 100 है, तो 1 × 100 यानी कि आपका 100 मीटर का डिस्टेंस हो गया जो कि AD है। ठीक है, तो निहारिका यहाँ पे क्वेश्चन है, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। तो इसको आपको सॉल्व करना है, तो चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग। तो ग्रीन फ्लैग निकालने के लिए क्या हो जाएगा, देखिए वहाँ पे पोजीशन एक दिया हुआ था आपका 2, और निकालने के लिए 1/4 × 100 कर देंगे, तो यानी क्या हो जाएगा 25, तो ये आपका 1 का A करेक्ट आंसर है। सिमिलरली आपका रेड फ्लैग के लिए भी ऐसे निकालेंगे कि 8 पोजीशन में था और यहाँ पे 1/5 लिखा था, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा आपका 8, 20, यानी कि जो आपका जो ऑप्शन है वो सी या करेक्ट है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स। तो GNR का जो फॉर्मूला होता है वो हो गया आपका 8 − 2² + 20 − 25² इसको हमें सॉल्व करना है। 8 − 2 हो जाएगा 6² यानी 36, ये 5² 25 यानी कि √61। सो 3 का करेक्ट ऑप्शन सी है, √61। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एक्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट। अगर हाफ वे बोल रहे हैं तो जो रेशियो है वो 1:1 का डिवाइड है, यानी कि एक ग्रीन फ्लैग एक रेड फ्लैग है उसके बीच में एक ब्लू फ्लैग है, तो ये 1:1 का रेशियो है। तो आपको सीधा आपको मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, यानी कि ब्लू निकालने के लिए हो जाएगा 2 + 8/2 20 + 25/2, इसको आप सॉल्व कर दीजिए 10/2 और ये हो गया 45/2। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो एक 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2.5। तो आपका जो सा करेक्ट ऑप्शन है वो 4th का A है, 5 = 22.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन है। इस 5th क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो गलत ऑप्शन है, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि इफ़ द जॉय हैज़ टू पोस्ट अ फ्लैग एट 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीन फ्लैग। 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीन फ्लैग है, जॉय है जिसकी पोजीशन हमें नहीं पता लेकिन वो बोल रहा है 1/4, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमें गिवन है GJ = 1/4 of GR, ये गिवन है। अगर आप JR निकालना चाहोगे तो GR हो जाएगा एग्जैक्टली 1 − 1/4 यानी कि हो जाएगा 3/4, तो यानी कि रेशियो हो जाएगा 1:3, क्योंकि GJ = 1:3 होता है। अब हम फॉर्मूला जानते हैं x = m1x2 + m2x1 / m1 + m2, बस यहाँ वैल्यू पुट करनी है हमें और ये सॉल्व कर देना है, तो आपका आ जाएगा एक 3.5। सिमिलरली हमें y को भी सॉल्व करना है इस तरह से m1y2 + m2y1 / m1 + m2, तो 1 × 20 + 3 × 25 / 1 + 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 23.75, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप अप्रोक्सीमेटली क्लोज बोलेंगे तो 5th का A यानी कि 3.5, 24 आपका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ ये केस स्टडी आपका कंप्लीट होता है। धन्यवाद।